तो अब दिखेगी गाइस आप लोगों को असली डेंजर रोड। ये देखिए अंधा मोड़, कृपया गाड़ी धीरे चलाए। देखो आई ना गाड़ी, देखा गाइस हम कह ही रहे थे और गाड़ी आ गई सीधा ही दिखाने की। भाई जी यहाँ से आगे कोई रिस्क नहीं लेना है आपने। ये पार देख रहा है दीपू डाक, कौन सा? ये सामने वाला, ये सामने वाला। अच्छा, ये जो है सामने वाला, ये ना पहले पुराने समय में लोग जो है ना किसी के साथ जीतते हो गए अपने परिवार वालों के साथ ही। अच्छा। सोना चांदी बहुत अमीर लोग होते थे ना पहले। तो अब तो बैंक है, पहले बैंक भी इतने कम होते हो गए। तो इस डाक में जो है ना माल रखा हुआ है, इसमें सोना चांदी का ही पे। तो एक बंदा था बोला तुकलुक बोलते तुकलुक देते, तो देते ने ले गया एक कनाल्डो को। चलो बोला आज हम कुछ तो दिखाऊंगा, बोला तेरे को सोना चांदी दिखाया इतना पैर में फूलता बोला। फिर वह ज्यादा में ले जा रहा था तो मुंह में पट्टी बांधा उसका। अच्छा, वो दिखाया नहीं, रास्ता नहीं दिखाया। फिर वो अभी तक भी यहीं है, कई लोग ढूंढने गए वो मिला ही नहीं। नहीं नहीं, हाँ हाँ, हम तो चले फिर मम्मी। अरे हमारे को कभी देगा कभी देगा, हमारे को नहीं मिलता, ढूंढेंगे कहीं। इनको पास दो, सारे शादी वादी आ रहे। आप तो बड़ा रात का बात बता रहे हैं। रात का बात स्टोरी तो फिर पता है क्या है, ऊपर है डंग नहीं है जंगल, वो आगे वाला आगे यहाँ को बोलते हैं ठोंगा को। तो वहाँ पे हम लोग गुच्छी उठाने जाते थे, सुबह 4 बजे निकलना घर से पैदल 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 आके। अच्छा। फिर 12-1 बजे पहुँचते वहाँ पे। वहाँ का जितना गुच्छी कहीं भी नहीं मिलता है, वहाँ बहुत मिलता है अंदाजन, बैग में भर भर के लाते। तो अभी हमारे काफनों में भी डैम है, एक दिन गए हम लोग चंगू उठाने, मिला बहुत उस दिन बैग बैग भर के। फिर लेट हो गए, और तो मिल रहा है और तो मिल रहा है बोलते हुए आ गए। नीचे आके देखे तो नदी छोड़ा काफनों से, डैम से फंस गए हम लोग पार। उस दिन ये भी मोटिया पी भी थी, हमारे पास खाना ना कुछ नहीं है। फिर एक देते था परे वो काफनों रहता है वे आयम का, कई फोदल देते बोलते उनको फोदल नाम था। वो तो देखा यहाँ नीचे बेड़ था, यहाँ नीचे कोई उड़ा बोलते है वहाँ उड़ार। वहाँ से पार हमारे को चलिया के रोटी ऐसे ना पट्टी में बांध के रह के, कहानी है आज तो मेरे को सब कहानी याद आ रही है। हाँ जी, ये तिजापती पहुंच चुके हैं गाइस फाइनली। और ये वाला व्यू ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है गाइस। अगर हम गाड़ी लेके आते ना तो पक्का हम यहाँ इसके नीचे लगाते और गाड़ी जो है ना ऑटोमेटिक हमारी वॉश हो जाती, लेकिन बाइक नहीं लगा सकते वरना हम भीग जाएंगे। ये देखो गाइस ऊपर से ही देखो, व्यू देखो ना गाइस, यार व्यू चेक करो। ओ देखो गाइस, कहाँ मिला है आपको? ऊपर था पानी के पास। नहीं नहीं, स्ट्रॉबेरी। तो गाइस स्ट्रॉबेरी खाएंगे, बाकी गाड़ियाँ तो चली रहती है। जंगली स्ट्रॉबेरी खाने का मजा ही कुछ और है। बाकी ये पीछे वाला व्यू कैसा लगाना ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाइक भी धो देता हूँ फिर। तो ऐसा करेंगे ना गाइस, कल आएंगे यहाँ पर बाइक भी धोएंगे और परे से ना नानू के कपड़े लेके आऊँगा यार, क्योंकि अपने कपड़े अभी भिगा दिए तो फिर हम पहनेंगे क्या? क्यों मम्मी? गड़बड़ हो जाएगा ना। और अभी देखो बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ये देखो गाइस बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। चलो चलो बैठो, फिर बैठो जल्दी
जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए। तो ग्रीन वैली बाबा के गेट से अंदर और ये सामने का नजारा जो आप लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन वैली। मौसम का भी ज्यादा खराब हो चुका है। खैर चलिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन गाइस यार ये बारिश बिगा रही है हमें। दिन मौसम साफ था 10 दिन, आज पता नहीं कहाँ से मौसम खराब हो गया। अच्छा स्वागत हो रहा है गाइस हमारा, ऐसा कह रहे हैं मम्मी। और चलो जो भी है जल्दी जल्दी चलानी पड़ेगी अब बाइक, मम्मी पकड़ के बैठना है ना। हाँ यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। जल्दी जल्दी रास्ता कवर करेंगे यार, बारिश हो गई ना, सारा मूड खराब कर दिया इस बारिश ने। अब हम बस चंद सेकंडों में कटगांव पहुंचने वाले हैं, जो कि आई थिंक काफनू क्या ग्रीन वैली बाबा का पहला गांव है, पहला गांव। और ये पाली तरफ ये क्या है, शांगो, ये है शांगो। इसके लिए पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है। अब कितने ही गांव हम एक्सप्लोर कर पाएंगे एक दिन में बताओ, इसके लिए तो कम से कम हफ्ता लगेगा। अब देखते हैं गाइस कितना दिन हम यहां पर लगा पाते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं। ये है वो नीचे पुल उस विलेज के लिए, शांगो विलेज के लिए। बाकी थोड़ा स्ट्रेट रोड है, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं इसको यार, बारिश हो रही है ना, बारिश से परेशान हो गया हूँ मैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं गाइस कटगांव। यार मतलब हम पहुँचते ही इस बारिश को होना था, तो ऐसा कुछ व्यू है कटगांव का। ये कुछ सरकारी बिल्डिंग है नीचे की तरफ, PWD वालों का, ठीक है PWD वालों की बिल्डिंग है गाइस। बाकी ये सामने की तरफ स्कूल है इधर, और बाजार वाला एरिया अभी आने वाला है। ये यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट विकेट खेला जाता है गाइस। बाकी स्टेडियम ना यहाँ पर बनाया गया है कापनू वालों का, आगे डैम के पास, वो भी दिखाएंगे हम आप लोगों को। बाकी यहाँ से कुछ सामान लेना है अपने को, कहीं लगाते हैं। हाँ इधर है, नहीं है, केला केला चाहिए था गाइस अपने को। ये है कटगांव का बाजार, पहले ना नानू की शॉप यहाँ होती थी कटगांव में, लेकिन अब शिफ्ट हो चुके हैं। काफी बहुत बड़ा वैली है यार गाइस, एक ही बाजार नहीं है ये जो आप अभी बाजार देख रहे हैं ना गाइस, यही बाजार नहीं है, अभी और है आगे बाजार। बाजार की कमी नहीं होने वाली है, ये देखो व्यू, क्यों मम्मी बाजार ही बाजार है। पर केला कहाँ है, ओहो ज्यादा हो गई,
बारिश बहुत ज़्यादा हो गई गाइस। अब कैमरा भी भीग चुका होगा, कंफर्म है गाइस। स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही होगी तो उसको इग्नोर कर दो, पूरा कैमरा साफ़ कर देते हैं ताकि आप लोगों को व्यू क्लियर दिखते हैं। यहाँ अभी सामने से दिखाएंगे ना। और ये है गाइस अपना मापो पार यांगपा सेकंड। बाकी ये देख रहे हो गाइस घोड़े, और यहाँ के लोग ना गाइस घोड़े बेचते भी है पता है, अच्छे खासा पाल के उन पर राइडिंग करते हैं और लाखों में बेचते हैं, लाखों के घोड़े बेचते हैं गाइस। हो सके तो हम किसी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बारिश जल्दी पहुंच जाए यार गाइस, बाकी बातें आगे करते हैं। ये कासरीम पहुंच चुके हैं गाइस, बस यहीं पर ही जाना है, यहीं पर ये नांदू की शॉप है यहाँ पर, तो शॉप में थोड़ा बैठेंगे यार, इस बारिश से बचेंगे। ये है गाइस मेरा मापो सामने पार की तरफ। बिठाओ तो यहाँ है नानू। चलो हम यहाँ पे पापा के पास पहुँच गए हैं। तो अगर आप सभी को हमारा ये आज का यहाँ तक का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप सभी को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मैं दीपू नेगी लेता हूँ आप सभी से अलविदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए क्या मम्मी, बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच।